के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी का हर निर्णय मुझे श्रद्धार्य है। मैं जब से पार्टी में काम कर रहा हूं, मैंने कभी भी पार्टी के किसी भी निर्णय की अवहेलना नहीं की है। पार्टी ने मुझे जिलाध्यक्ष बनाया, पार्टी ने मुझे लोकसभा की टिकट दी, और एक बार नहीं चार चार बार दी। पार्टी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया, पार्टी ने ही मुझे लोकसभा में चीफ व्हिप बनाया, और शायद 7 साल तक रहने वाला मैं अकेला ही पार्टी का कार्यकर्ता हूं। तो जो आदेश पार्टी का है वो मेरे लिए सर्वधार्य है। अभी पार्टी ने फैसला किया कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना है, तो विधानसभा के चुनाव के लिए मैदान में उतरे। ऐसा क्या जरूरत पड़ गई थी कि पार्टी ने आपको टिकट दी? वहां पे क्या प्रत्याशी नहीं थे क्या, एक आप सोचते हैं कि? देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से हमेशा से मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशियों की कमी नहीं है। आज भी पश्चिम विधानसभा अकेले नहीं, हर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के पास बहुत अच्छे अच्छे कार्यकर्ता हैं और जो विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन ये निर्णय पार्टी ही करती है कि आपने किस कार्यकर्ता का कहां उपयोग करना है और कब करना है। तो इसीलिए पार्टी ने जब ये निर्णय किया, मैं सांसद हूं, 4 बार से चुनाव में हूं और जबलपुर की जनता का ऋणी हूं कि हर बार जबलपुर की जनता ने मुझे जीतों का अंतर बढ़ाते हुए विजयी बनाया है। लेकिन इसके बाद भी पार्टी का ये फैसला हुआ है तो ये इसको हमने स्वीकार किया कि विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी। एकदम अचानक पता लगा कि इसके लिए पहले से आपसे पूछा गया था कि अचानक किस तरह का हो गया? नहीं, देखिए, पार्टी जब निर्णय लेती है तो पार्टी बहुत सोच समझ के निर्णय लेती है। मीडिया के सामने, लोगों के सामने वो निर्णय अचानक आ सकता है, लेकिन पार्टी का वो निर्णय सोचा समझा होता है। और जब पार्टी ऐसे कोई निर्णय करती है और अपने कार्यकर्ता को ये निर्णय से अवगत कराती है, तो हम सभी इस बात को भली भांति जानते हैं कि पार्टी बहुत लंबे विचार मंथन के पश्चात निर्णय करती है, जिसे हमें स्वीकार करना होता है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कोर कमेटी में हैं आप, और उसमें लोगों को टिकट देने की बात आती है जब लोग अपनी बात रखते हैं, और आज आप विधानसभा टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, इसको कैसा मानते हैं? देखिए, जब मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा तब मैं अलग अलग दायित्वों पर तब भी रहा हूं, और पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए लोकसभा का चुनाव मैंने लड़ा है। तो स्वाभाविक है कि पार्टी के कार्यकर्ता होने के साथ साथ अगर संगठन का कोई दायित्व है, तो मुझ जैसे अनेकों कार्यकर्ता देश भर में हैं जो संगठन के दायित्व में रहते हुए चुनाव लड़ते हैं, तो उसमें कोई भी नई बात नहीं है। नई बात सिर्फ इतनी है कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ता था, अब विधानसभा के चुनाव का आदेश मुझे मिला है। कितनी चुनौती मानते हैं इस विधानसभा चुनाव को? देखिए, चुनाव हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी तैयारी के साथ लड़ती है, और आज ये कहने में मुझे बेहद प्रसन्नता है कि जब किए गए कार्यों के आधार पर जनता के बीच में जाने की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा सर्वोच्च स्थान पर दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि विकास के कार्य हो या जनहित की योजनाएं, दोनों में ही भारतीय जनता पार्टी देश में सबसे अधिक ऊंचाई पर दिखती है। देश की आजादी के बाद के लगभग 57 से 60 साल तक देश में और राज्यों में कांग्रेस की ही सरकारें बनती आई, लेकिन क्या हुआ? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसके बाद के परिणाम लोगों के सामने है। दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेतृत्व तो हमारे पास है माननीय मोदी जी के रूप में, और जो ऐतिहासिक विकास के कार्य इतने कम समय में हुए हैं वो हमें दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में और जबलपुर में, ये जबलपुर जैसे कभी एक बड़ा गांव कहा जाता था, आज प्रदेश और देश के बड़े विकास के कार्य जो अन्य स्थानों पर नहीं हो रहे हैं वो जबलपुर में न केवल प्रारंभ हुए बल्कि कई समापन तक पहुंचे हैं, और आज मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर के एक हिस्से का लोकार्पण भी हम करने जा रहे हैं। तो इसलिए जब हम विकास के मुद्दे पर चुनाव के मैदान में उतरते हैं तो ये भरोसा होता है कि जनता का आशीर्वाद विकास के इन कार्यों को देखते हुए, और उसके साथ साथ गरीब की झोपड़ी में केंद्र और राज्य की सरकारों के माध्यम से समृद्धि का दीपक जो प्रज्वलित हुआ है, 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलकर देश में आए हैं, तो कहीं ना कहीं जनता इसकी साक्षी है, जनता की इसमें सहभागिता है, और इसीलिए वो
जो उनकी सहभागिता है वो आशीर्वाद के रूप में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। फ्लाईओवर की बात करें, लोगों का मानना है, जो विरोधी लोग हैं उनका कहना है कि फ्लाईओवर के विधानसभा चुनाव के अपने फायदे के लिए आप इस तरह का उद्घाटन कर रहे हैं, ऐसा क्या कहें? अगर अधूरे काम का उद्घाटन करते तो ये कहने का अधिकार हमारे कांग्रेस के साथियों को होता, लेकिन जो कार्य पूरा हो चुका उसको किस बात की प्रतीक्षा के लिए इंतजार कराएं? एक छोटी सी नाली कांग्रेस के हमारे साथी लोग बनाते हैं तो जिसके बारे में हम कभी सोचते नहीं, उसके बड़े बड़े फोटो डालने की वो कोशिश करते हैं, जो कार्य उन्होंने किए नहीं होते उसका श्रेय लेने की वो कोशिश करते हैं। तो हम तो कहकर जनता के बीच में आए हैं, मेरा संकल्प था कि जबलपुर में ऐसा फ्लाईओवर बनना चाहिए जो आने वाले 25 साल की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, और इसी घर में बैठकर हमारे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री माननीय गडकरी जी ने मेरे आग्रह पर इसकी घोषणा की थी। अनेक बाधाओं को पार करते हुए जब हम यहां बढ़े हैं, और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, झारखंड, ऐसे अनेक राज्यों के सबसे बड़े फ्लाईओवर के निर्माण का एक चरण जब पूरा हुआ है, आज जबलपुर के विकास की कड़ी में एक ऐतिहासिक दिन है। आखिरी क्वेश्चन है कि हमेशा देखा गया है कि प्रदेश के उच्चतम पद पे आपका नाम आता है, तो क्या विधानसभा चुनाव के बाद आपका उस पद के लिए या किसी पद का ऐसी कोई प्लानिंग है या ऐसा कुछ है क्या पार्टी? मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए ये सवाल बेमानी है। मैंने पहले ही कहा कि पार्टी जब जो आदेश देती है उसको पूरा करना एक कार्यकर्ता के नाते मेरी जिम्मेदारी और हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। पार्टी ने मुझे आदेश दिया है विधानसभा चुनाव का, और विधानसभा चुनाव के उस आदेश का पालन मैं कर रहा हूं। इसलिए आगे के कोई भी सवाल हमारे लिए बेमानी, हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि जबलपुर में न केवल पश्चिम विधानसभा क्षेत्र बल्कि जबलपुर संसदीय क्षेत्र की 8 विधानसभा हम कैसे जीत सकते हैं, महाकौशल की अधिकतम सीटें हम कैसे जीत सकते हैं, मध्य प्रदेश की 230 में ज्यादा से ज्यादा सीटें हम कैसे जीत सकते हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उसी दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा।